डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे अम्लीयता के रीजन चल रहे थे, फिनोल और एल्कोलों के अम्लीयता में तुलनात्मक रूप से विभेद पढ़ लिया था। आज बात करेंगे फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना, यानी फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना की जाए, यानी फिनोल की जो अम्लीय सामर्थ्य है वो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उनकी तुलना में बहुत कम होती है। यानी फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में बहुत कम होती है। उसका रीजन क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, जैसे दुर्बल क्षार सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को तुरंत अपघटित कर देते हैं और तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, जबकि फिनोल जो होता है दुर्बल क्षार NaHCO3 के साथ क्रिया नहीं करता है, CO2 गैस बाहर नहीं निकलती है। इस कारण इसकी जो अम्लीय सामर्थ्य है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में क्या होती है, कैसे होता है देखें। कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, इसको ऐसे लिख सकता हूं C double bond OOH। एसिटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये NaHCO3 NaHCO3 दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करके इसको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं और तीव्र बुदबुदाहट के साथ यहां से क्या बाहर निकलती है, CO। देखो यहां से CO2 कैसे बाहर निकलती है, देखो H है यहां और यहां का H और यहां की ऑक्सीजन, दो H यहां का एक ऑक्सीजन मिलकर बाहर क्या निकल जाता है, यहां से H2। देखो यहां पे CO- में क्या जुड़ जाएगा, यहां पे Na यौगिक बन जाएगा आपका CH3C double bond OONA, इसका नाम होता है सोडियम एसिटेट। क्या बाहर निकल जाएगा, सोडियम एसिटेट। ये क्या है आपका जल और आउट कौन हो जाएगी यहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि फिनोल जो होता है NaHCO3 के साथ दुर्बल क्षार NaOHCO3 जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम इसका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है दुर्बल क्षार के रूप में, इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। पहला तो रीजन क्या हो जाएगा फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल क्षार सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर निकालते हैं, जबकि फिनोल दुर्बल क्षार NaOHCO3 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। इस कारण इसकी जो अम्लीय सामर्थ्य है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, फिनोल जो होता है प्रबल क्षार NaOH के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, स्टार डाल के ध्यान रखना है। फिनोल प्रबल क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, साल्ट फॉर्मेशन करता है, लवण बनाता है। नेक्स्ट बात करेंगे फिनोल की, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं फिनोल की, जिंक
के साथ अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो फिनोल होता है, इस फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो यहां से क्या बन जाता है, बेंजीन फॉर्मेशन हो जाता है। पूछ भी लेता है कि फिनोल जो होता है, फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, बेंजीन का निर्माण हो जाता है। जैसे मैं बात करूं, फिनोल है, इस फिनोल को मैंने क्या करना है, गर्म करना है इसके साथ, जिंक चूर्ण के साथ। फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, जिंक का मतलब यहाँ पे क्या है, जेड है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजीन। जिंक जो होता है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेटस शो करता है, यहाँ से जेड एन प्लस। अब ये उदासीन होने के लिए यहाँ से क्या ऊपर क्या होता है, माइनस टू, यानी ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकालता है और कंपाउंड के रूप में क्या बाहर बन जाएगा, यौगिक जेड एन ओ, और यहाँ पे एच रिंग पे शिफ्ट हो जाएगी, क्या बन जाएगा आपका, यौगिक बेंजीन। कह सकते हैं जो फिनोल है, फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन बनता है। तो ये है फिनोल में कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना। तो सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल क्षार जो होते हैं, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट है, उसके साथ अपघटित कर देता है और तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर निकलती है, जबकि फिनोल NaOH CO3 जैसे दुर्बल क्षार के होते हैं, उनके साथ कोई क्रिया नहीं करते। इस कारण इसकी जो अम्लीय सामर्थ्य है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में क्या होती है, कम। नेक्स्ट बात की है, फिनोल प्रबल क्षार NaOH के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक में पढ़े हैं फिनोल के जिंक के साथ अभिक्रिया। क्या ध्यान रखना है कि फिनोल जो है उसको जिंक चूर्ण के साथ जैसे आप गर्म करोगे तो यहाँ पे यौगिक क्या बन जाएगा, बेंजीन फॉर्मेशन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी है।